अगर आप सब कहते हैं तो मैं हमला करूंगा, पर आप मुझे एक वचन दीजिए। आओ, अब आपको भी मुझसे वचन की जरूरत आन पड़ी। हाँ, मैंने एक प्रबंध किया है, अगर आपको इस लड़ाई में लगे कि हमारी हार संभव है तो आप हमारी स्त्रियों को यहां से सुरक्षित निकाल कर ले जाइएगा। इसका मतलब है कि मैं लड़ूंगा नहीं? नहीं, आप लश्कर लेकर तैयार रहेंगे और जैसे इस लड़ाई में कुछ बुरा होता देखें आप स्त्रियों को संभाल लीजिएगा और चले जाइएगा। भाव, भाव आप क्या कह रहे हैं? मैं लड़ा नहीं, चला गया तो मेरे माथे पे कलंक लग जाएगा। मल्हार राव जी, अगर मैं जिंदा रहा तो मैं आपके माथे का कलंक धो दूंगा, और अगर नहीं रहा तो आप मेरे माथे पर यह कलंक लगने से बचा लीजिएगा कि मैं पेशवाओं और मराठा परिवारों की महिलाओं और दासी स्त्रियों को नहीं बचा सका। मैं वचन देता हूं। धन्यवाद, आपके और नजीब के रिश्ते को हम सब ने बुरा समझा और शक की निगाह से देखा, पर आपके कहने से नजीब हमारी स्त्रियों को अपने इलाके से जाने देगा। हम ना तो इसे बुरा समझेंगे और शक के बजाय आपसे यह सीख लेंगे कि दुश्मनों के साथ कम से कम इतना रिश्ता तो हो कि दुश्मनी की घड़ी में उनसे इंसानी बर्ताव की मांग की जा सके। अब आप जाइए और वही कीजिए जो मैंने आपको करने को कहा है, जिसे मैं वो कर सकूं जो आप सब मुझे करने को कह रहे हैं।